मेरे बाबे तो सुना हो सकता
Tu dunia denganmu rakyat ini dinerah. Tu dunia denganmu rakyat ini dinerah. Tu bagai denganmu de. Joli paru, murana lele. Joli paru, murana lele. Kantero de mamite, kantero de mamite, mangabe kono bolke, baba bata bata bolke, mangabe basa basa basa. Oh,
Oh, my God.
एक योगी
महाशक्ति और होता है। ऐसे नहीं खाली भजू बन गए बस पड़े हैं ठीक है, खुद भी स्वयं तीन प्राण तार लेती स्वयं बंदे प्राण बच्चे थी, जो स्वयं डूब रहे हैं वो भी दूसरे को दिख क्या देगा वो डूब रहे हैं उसमें डूबेंगे। अंधे नियम था अंधा, अगर एक अंधे के पीछे हम चलते हैं तो क्या होगा, अगर अंधा अंदर लेके जाएगा सामने पर नाला है कुछ है खंबा है तो वो निकल जाएगा टकराएगा तो हमने साथ साथ उसके टकराएगा। लेकिन योगेश्वर जी शक्ति वाले ताकत वाले थे, इन्होंने अपने खुद गुरु के गाइडेंस में रहकर गुरु के संरक्षण में रहकर गुरु के थपेड़े खाकर और गुरु के द्वारा अपने को बना लिया। वही संसार का कराने वाले कहा करते हैं गुरु उनको ही आगे अपने काम सौंपा करते हैं। एक वचन आया नायमात्मा रोज नहीं लभ्य मेध्या भक्तने हमें कृष्ण नेव लभ्य से आत्मा वे प्रणते तनु स्वामा। क्या इसका अर्थ है, बहुत प्रवचन करने से बहुत बुद्धि का प्रयोग करने से गुरु का रूप बनाने से है ना आडंबर दिखाने से वो गुरु सत्ता उसके अंदर नहीं आता। ठीक है किसी ना किसी के द्वारा कोई ना कोई ये काम हो जाते हैं कई ऐसा हो जाता है, लेकिन वो गुरु सत्ता किसके अंदर आती है वी व्यू के जिसको वो पावर हाउस स्वयं वर्ण कर ले और उसके हृदय में मंदिर बना ले अब ये मेरा काम आ ये इस लायक हो गया फिर वहां से उसका फिर कुछ नहीं होता सब कुछ उसका होता है। वो तो धीरे धीरे उनकी अब कृपा हो जाती है। वो कहते थे रानी बाबा तुम तो दानियों लेकर बजा रहे हैं ना, खाली कोई लौटा नहीं ना कभी लौटा होगा, वो कभी जो खाली नहीं लौटाते चाहे कोई दीक्षा लिया हो या ना लिया उनके दर पे आ रहा है प्रार्थना कर रहा है उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी होगी तो वो गुरु सत्ता इसके हृदय में बैठती है फिर वहां से वो सारे के सारे जो काम हुआ करते हैं। क्योंकि वो जो हमें बात कह रहा था वो जिसको काम पर लगाते हैं अपने कार सौंपते हैं उसको सौंपते हैं देख लेते हैं अब ये मेरे काम के लायक है और वो फिर खाली नहीं रहता वो उनके काम करता करता उस करतार के उस सदगुरु के उस योगेश्वर के ईश्वर के नजदीक पहुंचता है उनमें जोता जाता है उनमें लय होता जाता है और जितना हम तुम सब उनके नजदीक पहुंचते जाएंगे उतने हमारे काम आसान होंगे। खाली सोचते मात से काम होंगे बैठे बैठे काम होंगे और उनके नजदीक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी ये राग देश ईर्ष्या अहंकार सब नीचे लाना पड़ेगा तब उनके नजदीक पहुंचने और तब वो साधना फलीभूत होगी। फिर साधक की अपने आप में उदरनी जगती है चक्र वेदन होते हैं मन एकाग्र होता है और धीरे 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 वो ईश्वर की समाधि हो जाती है। ऐसी अनेक आज आप इतने बड़े दरबार में बैठे हुए हैं योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी महाराज के योगीराज जगमोहन जी महाराज के परम योगियों के जब से विचार क्षेत्र में निकला मैं तो पता नहीं था कि मैं भी प्रचार में निकलूंगा। उन्होंने सोच रखा था श्री मानी उमा शक्ति जी ने इससे काम कराऊंगी और धीरे धीरे मैं चलने लग गया प्रचार जाने लग गया कृपा होने लग गई प्रसाद से कृपा होने लग गई लोगों के ऊपर और अब तो ये हाले खाली फोन से अनुमति कृपा हो जाती है। ये बैठिए प्रियंका बीमार हो गई उसके हाथ पैर पीट गए उसको भूख लगना बंद हो गई और हर समय चिल्लाती थी रोती थी उसके टेस्ट हुए डॉक्टर के पास सर में टेस्ट हुए उसके तो उसके सर में सिटी स्कैन में सर में स्वेलिंग आई पूरे अंदर उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी तो मुझे
बार बार मुझे फोन करते थे, वही तो करते भरत को करते थे आज मैं तो फोन सबका उठा पाता हूँ, कितनी व्यस्तता हो गई है। कहते भरत भैया मुझे कह दो क्या उसको ठीक कर रहे हैं, उसको मुक्ति कर दिया। कैसा लगी है ठीक कर दे मुक्ति कर दे। अब मैंने कोई बात नहीं, प्रभु जी को जो हमारे महाराज जी कहते थे, माँ कहती है हम कहते हैं, प्रभु जी का पाठ करो, प्रभु जी को याद करो, प्रभु जी बोलो, प्रभु जी कृपा करेंगे। होता भी है अभी कभी कहीं कभी कहीं दिखाते रहे फैजाबाद में बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी अभी एडमिट किया है। तो ऐसा जो उन्होंने शब्द बोले को नहीं भूलने चाहिए थे उसको, पर हजारे की उसको बोल गई, कहती आकर ठीक कर दो सही तरीके से, इसको जैसी है तैसी ला के आपके घर पर डाल दूंगी, आपके आश्रम में डाल दूंगी, अभी लेके आ गया। मैं समझता लेके आ गया, अच्छा ऐसा मत कर उसको, वही रहने दे प्रभु जी ठीक करेंगे। चाहे बहुत पीछे पड़े तो उसका नाना भी आ गया वहां से ऐसी केस से मेरे पास, तो मतलब अच्छा एक काम करो उसका वीडियो बना के भेजो मुझे। फिर इन लोगों ने उसका वीडियो बना के भेजा, मैं उसका वीडियो ध्यान से उसको देखा, बच्ची को चिल्ला रही थी पूरी तरह सूख रही थी एकदम, कई दिन से नहीं खाया, कब से नहीं खाया था, आठ दिन खाया नहीं था, डॉक्टर जवाब दे रहे थे अब नहीं कोई चांसेस का बचने का। मैंने खाली ऐसे देखा उसको और देख के उनसे प्रार्थना करी कृपा करो, बस उसके बाद से देखने के बाद से एकदम उसकी हाथ खराब शुरू हो गया, सुलाह होने लग गया, केला पिया उसने और डॉक्टर बोले चमत्कार हो रहा है, दो दिन में इतना इम्प्रूवमेंट और उसकी स्वेलिंग में भी अंतर आ गया। ऐसे हमारे श्री प्रभु जी की सब कृपा हुई है, सब मुझे होने वाले हैं, ऐसी अनेक घटनाएं अनेक कृपाएं ऐसी समय चारों तरफ हो रही हैं उनकी। ये बच्चा बैठा है विशाल हैदराबाद से आया है, एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में मैनेजर है, मेरा इंजीनियर का मैनेजर हो गया। तो इनकी मौसी वो रायपुर में है, उनको रायपुर को कैंसर हो गया, कैंसर पूरे में फैल गया। अब फैल तो मेरे साथ फोन कर बहुत कम किए, और जब बीमारी समझ में कहीं नहीं आई कहीं ठीक नहीं हुई तो उन्होंने कहा तो चलो गुरु जी को फोन कर, मुझे फोन किया गुरु जी इस तरह की बात है, उसके हस्बैंड का फोन आया मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कहा मतलब लास्ट स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर ने ऐसा कराया कि ऑप्शन बहुत बड़ा होगा तो आगे ईश्वर की इच्छा क्या होगा, ठीक ऑप्शन के बाद भी क्या होगा, तो मैंने कोई बात नहीं प्रभु जी का पाठ करो, प्रभु जी के पास सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहां उसको ले गया ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन जो हुआ उसके बाद वो बेहोश हो गए, बेहोशी में कर दिया ऑपरेशन सुन करके, तो उसके बाद बेहोश हो गई कोई उसको बिल्कुल, डॉक्टर एक दिन हो गया दो दिन हो गया उसको होश ही नहीं आ रहा था, डॉक्टर बड़ा परेशान किया हो गया, उसकी नौजवान सब बंद हो गई ना उसको होश आ, डॉक्टर बोले ये कैसे हो गया, पेशेंट है नहीं है, उसको फ्री ट्रीटर में ले लिया, उसको कृत्रिम ऑक्सीजन दी गई, वैसे ही झूठी ऑक्सीजन दी गई कोई लाभ नहीं हो। तब उन्होंने मुझको फोन किया, मैंने खाली इतना कहा अच्छा मेरा मैंने हंस कर दिया, मेरा वो है ना मोबाइल अपना उसकी कान पर लगा दिया, उनने कान पर मोबाइल लगाया, मैंने कहा क्या नाम उसका किरण, किरण हेलो किरण, इधर उसकी आंख खुल गई, सबसे भगवान की ये हरिंदर बैठा हुआ है, ये मतलब हरियाणा भाई बहन है, ये हरिंदर जो है इनकी पुत्र वधु उसके ऊपर ऊपरी प्रभाव होता था, क्योंकि एक लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, कई लोग जो घर में ध्यान हो जाता है तो उनको उनकी स्थापना कर लिया करते हैं, है ना, देवता बनाकर ढा लिया करते हैं, मतलब वो तो संस्कार तो कर देते हैं उसके बाद घर में स्थापना बना देते हैं कि उसका ये स्थान है यहाँ पर है, इनको बहुत गलत करते हैं, उससे क्या होता है और भी भूत प्रेत जो है उनके यहाँ पे अपना स्थान बनाने लगते हैं। तो ऐसे ही पड़ोस में इनके रिश्तेदार ने इनमें स्थान बना दिया, तो वे गंदी आत्मा इनके पूरे घर में सबको बहुत तंग करने लग गई, कभी इनके कोई बेहोश हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी के हाथ पैर लट जाए, बहुत
पतंग होए और इन एक दो लोगों से कुछ कराया भी राम बाबू राम बोस तो कराया भी राज वगैरह तो एक दो इनकी गोई पे द्वारा बाबा पैसे के लोग फिर ने मुझे कहा मैं कार में जा रहा था उन्होंने मुझे कहा गुरु जी ऐसी ऐसी बात है मेरी बड़ी बड़ी हो गई लोग कैसे कहते हैं अरे तुम्हारा इतना बड़ा दरबार है और तुम्हारे होते हुए भी जो है सब बीमार पड़े हैं वो बहु चिल्लाती रहती है वो करती रहती है बोले हम तो बाला जी जाते हैं गुरु जी हमें